कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की हर जगह तारीफ हो रही। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में सोनू सूद के मदद कार्य को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने संजय राउत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब संजय राउत के बेतुके बयान हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अब उनके कई और बयान हम आपको इस खास रिपोर्ट में सुनाने जा रहे हैं। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनू सूद के मदद कार्य पर सवाल उठाया। संजय राउत ने रोक टोक कॉलम में लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम का एक महात्मा तैयार हो गया। उस इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है? राउत ने प्रवासी मजदूरों को बस में भेजने के लिए आए पैसों पर सवाल उठाते हुए सोनू सूद को बीजेपी का मुखौटा बताने की कोशिश की है। बीजेपी नेता राम कदम ने संजय राउत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कदम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के संकट काल में इंसानियत के नाते मजदूरों को सड़क पर उतर कर सहायता करने वाले सोनू सूद पर संजय राउत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद की सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम हो गई, ये सच्चाई सोनू सूद पर आरोप लगाकर छुप नहीं सकती। जिस काम की सराहना करने की आवश्यकता है उस पर भी आरोप। अभिनेता सोनू सूद ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वो और उनकी टीम अब तक करीब 16 से 17 हज़ार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। उनका लक्ष्य 40 से 50 हज़ार श्रमिकों या उससे भी ज़्यादा को घर पहुंचाना है। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी टीम दिन रात लोगों की लिस्ट तैयार करने में लगी हुई है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से संजय राउत ने आरोप लगाए हैं, तो अब इनसे क्या कहा जाए? क्या इनसे कहा जाए कि अगर कोई मदद कर रहा है तो आप उसको भी मदद मत करने दीजिए, खुद तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं? महाराष्ट्र में तेज़ी से कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, तो आपकी शिवसेना कुछ नहीं कर पा रही। बड़ी बात यह है कि संजय राउत के ऐसे बयान बेहद शर्मनाक हैं और ऐसे लोग राजनीति में होना डिजर्व नहीं करते। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।